ओह माय गॉड सर, ये लीजिए गरमा गरम। ओह माय गॉड, ओह माय। मनोहर। यस सर। दिल तो अबाऊ, दिल तो बहुत अब बुला रहा हूँ बा को, लेकिन बा बुलाने को अनसुनू कर रही। तो सर क्या आपने उन्हें फोन किया? क्या करते हैं? फोन करके भी क्या करते? खुद ही तो गई, अम्मा के बारे में, बच्चन के बारे में, हमारी बारे में, काऊ के बारे में ना सोचू, बस बैग उठाओ और अकड़ के चली गई। तो तू क्यों इतना अकड़ रहा है? I'm sorry, सर, लेकिन आपको भी अकड़ना नहीं चाहिए था सर। और वैसे भी गलती तो आपकी ही है ना सर, ना ही आप एनिवर्सरी की डेट भूलते और ना ही आपको ये दिन देखना पड़ता सर। देखिए इतनी सी बात के लिए आपकी दूसरी शादी तक हो गई सर। आप एक काम कीजिए, आप राजेश भाभी को फोन कीजिए और सुलह कर लीजिए सर। और एक बात हमेशा याद रखिए सर, माफी मांगने वाला सबसे बड़ा हिम्मत वाला होता है, जो कि आप है नहीं। कैसी बातें कर रहा हूं? तेरे कहने को क्या मतलब है? हमारे अंदर हिम्मत नहीं है? ठहर जा, ठहर जा, ऐसी बात ही नहीं है। देख हमारी हिम्मत देख। का बात है, मतलब बहुत ही अच्छी फिल्म आती, तगड़ू का मजो आएगा। अरे पिक्चर कौन देख रहा था? मेरी नजर तो तुम पे से हटी नहीं। हटो। फोन ही नहीं उठ रहा हूँ। शायद मेरा शक सही था, ये हिम्मत वाला नहीं। अरे लल्ला, ये फोन क्यों कट कर रही हो? किसका फोन है ये? अरे वही चिचोरा पप्पू का। अबे पप्पू नहीं, हप्पू बोलो, हप्पू दमान है मेरा। हाँ वही वही। पापा बादमी से बिल्कुल कट ऑफ कर ले। अरे बेटा ऐसे कैसे कट ऑफ भाई, हमने अपनी लड़की भी आई है। तुम्हारी बिटिया हम और बिन्नो है बस। क्या पता लच्चो भी इन्हीं की होगी। इसको कैसे पता? क्या बोला? अरे सर पे चल रहा है बदतमीज। अरे बेटी समान है मेरी वो। पापा तुमने बहुत ही बुरो काम करो है जीवन में, तुमने एक अच्छो काम ना करो। हाँ बताओ, हमारे आदमी से लच्छो की तुमने शादी करवा दी है? हाँ पूरा काम तुमने बिगाड़ दो। अरे लल्ला मेरी बात सुनो, जिस तरह से तुमने उस घर को छोड़ के यहाँ आई है ना, वैसे ही उस घर में भी एक बहू की जरूरत थी और आपके उस सासू माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो तुमको तो पता है मैं उसके बाद टाल नहीं सकता, तो इसलिए मैंने शादी करवा दी। अरे लल्ला दमान जी का फोन है, जब बात कर ले। अरे हेलो, तुम फोन का नहीं उठा रही रज्जो? अरे दमान जी मैं रज्जो का बाप बोल रहा हूँ, गब्बर। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ दमान जी, तुम बताओ सब कुशल मंगल? नहीं है, कुशल ही मंगल तो नहीं है। जब घर की लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाती है ना ससुर जी, तो घर में मंगल नहीं हो तो दंगल हो, तो दंगल हो, कोई चल रहा हुआ है आजकल। अब बात तो एकदम सही कही दमान जी, जब राजेश की माँ रूठ के चली जाती थी ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि घर जो है एकदम स्वर्ग जैसा हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद एकदम जहलूम लगता था और सिर्फ एक ही बात रह जाती थी, वो है इंतजार। ससुर जी इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर हमारे यार की। हमें है यकीन बेबपा वो नहीं, तो फिर ससुर बजा का भाई इंतजार की। सर क्या क, मैं क से गाना गाता हूँ, काटे नहीं
अरे दामाद, ये वजह ये है कि तुमने दूसरी शादी कर ली, बस यही कांड हो गया। हमने ना करी, हमें आप लोगों ने इतना प्रेशर दो, अम्मा ने और तुमने मिल गए। बाबा जी से कर ली हम, अंदर से मन ना हाथ, नहीं तो शादी रुक जाती। बता। अरे एक मिनट, बात करना चाहते हैं। बाबा बात कर ले बेटा। कराओ कराओ कराओ। हेलो हेलो, रज्जू हम का गिर रही, हमें अपने करी की सजा मिल गई, हमें माफ कर दो। नोनो टैया बच्चन की खातिर, हमारी खातिर, कर की खातिर आ जाओ, तुम लौट आओ। पापा हम बाहर जा रहे हैं तगड़ू के संगे। अरे बेटा अभी तो आई हो, अभी कहाँ जा रही हो? अप्पू घर जा रहे हैं। अप्पू नहीं बेटा, हप्पू। हप्पू? हप्पू सिंह से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमने वो घर छोड़ दो है, अब हम जा रहे हैं तगड़ू के संगे अप्पू घर। अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे आ जाओ तगड़ू। चले रज्जो। ससुर जी एक मस्त बंदरिया आई है, आ रहे हो मेरे साथ? सबसे पहले तो मैं तेरा ससुर नहीं हूं, तुम निकल ले यहां से। हेलो दामाद जी। हेलो रज्जो। अरे दामाद जी, लल्ला तो चली गई, जब वापस आएगी ना तो मैं बात कराऊंगा। हैं? हेलो हेलो हेलो। फोन काट के भाग गई। बाहर आना जरा। जाओ जाओ, मैडम बुला रही है। जाओ 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 जाओ। बोल भी ना, क्या क्या खाएगी तू? नहीं नहीं मतलब ये क्या बात हुई कि क्या क्या खाएगी? जो बनेगा वो ही खाएगी ना। तुझे बोला मैंने बोलने के लिए? जब तक नहीं बोलती हूँ चुपचाप खड़ी रहे। तू बोलना भी ना, क्या खाएगी? वैसे तुम ज्यादा खाते नहीं है, लेकिन हमारी इतनी प्यारी सहेली जिद करे तो मना भी नहीं कर पाते। हाँ हाँ हमको पता है, तू बस ऑर्डर दे। पैर उठाओ। तुझे बोला मैंने ऑर्डर देने के लिए? चुपचाप अपना काम कर। अपना काम ही तो कर रहा हूँ, मतलब आप पैर उठाओगे तभी तो पोछा लगाऊंगा। आप पैर उठाओ। जब तक हम पैर नहीं उठाते हैं तब तक इंतजार करो, आई बात समझ में? और चुपचाप बैठे रहो यहीं पे। डेबी मदर्स, व्हाट योर फ्रेंड ईटिंग्स? अरे वाह लच्छो, तू तो इंग्लिश कुक भी रख लिया। हाँ इसको सिर्फ इंग्लिश में कटर पटर करनी आती है, इंग्लिश कुछ भी बनाना ना जानती है। तू ना देसी ऑर्डर कर दे। यार मैं ऐसे कब तक बैठा रहूंगा? जब तक हम नहीं कहते तब तक, आई बात समझ में? चुपचाप बैठो यहाँ पे। वैसे तो हम डाइटिंग पर हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं। ऐसा करो, आज पनीर मक्खन वाला, पनीर कोमा, पनीर भुर्जी और जाओ, जाओ चुपचाप से खड़ी क्या हो? अरे ओए, तू क्या जमाई ले रहा है बे? तो जमाई ही लूंगा ना, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, आप लोगों की बातें खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। अरे पैर उठाओ, मैं पोछा लगाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तुझे कचहरी जाके केस का फैसला सुनाना है क्या, जो इतनी जल्दी मचा रहा है? चुपचाप से अपना काम करो और बैठा रहे यहीं पे। अबे ओए, गूर किसको रहा है? काम कर अपना। जाने देना लच्छो, बच्चा है बेचारा। हाँ बच्चा नहीं है ये, चच्चा है। चच्चा जानती नहीं तू इसको? शक्ल देख इसकी, एक नंबर का नालायक है ये। मैं ना इसकी जब भी शक्ल देखती हूँ ना, मुझे अपने मोहल्ले का वो बिटुआ याद आ जाता है। वो बिटुआ? हाँ हमारे बदायूं का छुट्टन नेता। हाँ वही गुंडा नालायक मवाली कहीं का। ये ऋतिकवा भी उससे कम नहीं है, उसी के जैसा है। मेरा नाम ऋतिक है, ऋतिक, बिटुआ बिटुआ नहीं। ओ, बोल तो ऐसे रहा है कहीं का ऋतिक रोशन है तू? पता नहीं तेरा बाप क्या सोच के तुझ पे खर्चा करता है। नालायक है, एक नंबर का नालायक तू, किसी काम का नहीं। लच्छो किसी काम का नहीं बेचारा, तभी तो उसकी माँ इसको छोड़कर चली गई है। हाँ वही ना, वैसे नालायक बच्चे होंगे तो माँ तो बेचारी छोड़ के जाएगी ना। शकल देखो इसके। काम कर अपना, मत उठाओ पैर। ए, 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 ए,
अम्मी लच्छो को दिल रही है लच्छो। लच्छो हम पे बहुत जुल्म करती है भैया, बहुत जुल्म करती है। ओके 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 किडोज, लेटिंग मी नो हाउ जुल्म डाइंग अपॉन योर किडोज। फिर से उन्होंने पोछा लगवाया, बताओ मेरी तो कमर की तो बैंड बज गई है। मेरे से झाड़ू लगवाए उसने। मोती तो पतू है, बर्तन धुलवाए। आपको पता है इन हाथन थे, ये मासूम हाथन थे, मैं ताल पे ताली मारते हुए तो ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जी लच्छे मम्मी ने तो थाल और थाली घिसवा के इन पे देखो कैसे लाल लाल काले काले छाले आ गए। बताओ मुझे से एकदम चॉकलेटी बॉय एंड सम चार्मिंग क्यूट लड़के से पोछा लगवाया। मैं मुझे तो लेटने का मन कर रहा है। तू तो हमेशा लेटो रहते है लमलेट। कमलेश भैया मैं क्या बताऊं आपको, मुझसे उस लच्छो ने ऐसे ऐसे कोनों में झाड़ू लगवाई है ना, जहां मैं तब घुस पाती जब मैं छोटी सी बच्ची थी। अब आप ही बताओ इतने बड़े होके मैं ऐसे फ्रिज के पीछे घुस पाऊंगी, कैसे घुस सकती हूँ। कमलेश भैया, कमलेश भैया प्लीज डू मी समथिंग। तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है मैं उस औरत से लोहे के चने चबाऊं। ओ अच्छा, लेकिन जी आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल, मी गोइंग टू नियर लच्छो। हे लच्छो, यू आर नॉट द अलोन होली गनिज्म इन दिस एरिया इन द वर्ल्ड, मी द होली गन इन द कॉन्वेंट इन होल वर्ल्ड। होली गन पिचकारी? पिचकारी अरे यार पिचकारी नहीं, होली गन, होली गन मतलब गुंडा और होली गनिज्म गुंडी। उससे कहूंगा कि तू अकेली गुंडी नहीं है इस एरिया की, मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ इस कानपुर का। लच्छो तुझे पता नहीं है इन बच्चों का बाप मैं हूँ। क्या? तुझे पता नहीं इन बच्चों के साथ मैं हूँ, आ रहा हूँ मैं लच्छो। मेरे किडोस लेट्स गो। अरे वीना तू नहीं जानती इन बच्चों को, अगर हम इनकी नकेल नहीं कसे ना तो ये सांड बनके हमें ही सिंह घुसेर देंगे। यो दरोगा हप्पू सिंह कीड़ोस, मेक योर सेल्फ हॉर्न पौ पौ ओ कैंदी पौ। इंटरेस्ट इंटरटेनिंग एंटरिंग इन योर बॉडी, हॉर्न मैनेजमेंट डन। क्या कुछ भी बोलो, एंट्री तो बड़ी जोरदार करी है ना, मतलब जो भी कुछ बोला ना सर के ऊपर से गया है। हे क्यों क्यों नहीं, ओह वेरी शार्प। मेरा कहने का मतलब ये है तुमने खुद दरोगा हप्पू सिंह के बच्चों को टॉर्चर करके खुद अपनी पीठ पर सींग घुसवाने का इंतजाम कर लिया है। ओह यस माय डियर कमलेश इज हियर। घूर क्या राय बे, औरत नहीं देखी क्या पहले कभी? नहीं देखी, तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी। तुमने छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई, उन पर जुल्म ढाया, और तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से बाल मजदूरी बढ़ती जा रही है, और उस बाल मजदूरी को घटाने के लिए एक मसीहा पैदा हुआ है, और ये दुनिया वाले उस मसीहा को कमलेश के नाम से पुकारते हैं। वो पुकार, वो मसीहा, वो कमलेश मैं हूं। तुमने मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों से मजदूरी कराई, उसकी सजा तुम्हें मिल के रही। Yes! Oh, wow! Yes, so your power, कमलेश ब्रदर! सारी पावर भागी मेरी। कैट 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 नॉट कॉलिंग मी ब्रदर अनदर मदर, माई पावर गॉन, माई हार्ट शेप ऑफ जस्ट
glass. You say, brother, my heart go down on the floor and glass pieces, different pieces. People come and catch the toes. Huh? क्या बोल गए? मैं ये कह रहा हूँ कि तू मुझे भाई मत बोल. भाई बोलती है तो मेरा शीशे का दिल टूट के नीचे बिखर जाएगा. लोग आएंगे कच कच कच, उनके पैरों में कांच चुभ जाएंगे और पैर कट जाएंगे उनके. मेरा दिल टूट जाएगा शीशे का. प्लीज डोंट कॉल मी ब्रदर अनदर मदर. तू ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा? करके दिखाना एक्शन. बड़बड़ कर रहा तब से खड़ा हुआ. यस, मैं भी तो देखूं तेरी पावर. यू लेडी गेटिंग रेडी? Let's come on. Kamlesh, let's come on. Show your power. Yes, stop, cut, cut. Not bad. Kamlesh, let's come on. Do show your power. Yeah, nearly, yeah. Kamlesh, done. Ho gaya? No. Oh my God, Kamlesh. Kamlesh, are you fine? Everything is okay? Your neck, shoulder, everything? हमसे पंगा लेने से पहले ना बेटा होमवर्क करके आना चाहिए था. आज तक लच्छू से जो भी भिड़ा है ना वो बच नहीं पाया है. क्यों लच्छू? आई समझ? चलो बड़ा मेरी क्लास लेने वाला. दो कौड़ी का लुच्छा लपंगा छुट भैया डॉन. जितनी मार पड़ी है ना सब समझ में आएगा. चल भाग यहां से निकल. लच्छो रानी किसी के हाथ ना आने. कहे वकील बाबू, कौन सी बेबी को इंतजार कर रहे हो? बाबू की बेबी? अपने काम से काम रख, दूसरे के उसमें टांग मत अड़ा. अरे हमारा यही तो काम है. मॉडर्न कॉलोनी के हर औरत पे और मर्द पे नजर रखो. सुनो क्या ना, हमारा काम एज ए वकील बेनी प्रसाद BLLB ये है कि ऐसे जो उल जुलूल हरकतें करें ना, जो दूसरे के काम में टांग अड़ाए चोच अड़ाए हैं, उनको ना ऐसी ऐसी धारा लगा के अंदर करवाना कि बंदा जो है धारा प्रवाह बह जाए. हे चुमला आओ गो. अरे दादा तू अच्छो मिल गो. हम भी सोच रहे थे तू से मिले के लाने. सुनो हमने अपने ससुर को फोन करो. फोन करो तो जैसे ही फोन उठाओ ना हमें दो मिनट में समझ गए कि होते पे रज्जो भी हाथी. लेकिन बाने जान बूझ के सांस तक न लई कि हम बाकी सांसों की भी आहट न समझे. जो बताओ जो जो हमारे साथ जाती नहीं है. नहीं जा, जाती नहीं है. हमने कितनी उमंगों में फोन करो तो जागती है. जागती नहीं, जागती या कह रहे. हाँ वही जो भी है. गलत हो रहा हूँ ना? नहीं क्यों गलत हो रहा है? अरे जब औरतें ऐसे गुस्से में आए, प्रचंड उनका दिमाग खराब हो जाए, तो तुरंत उनको जाके मनाना पटाना नहीं चाहिए हैं. उनको ठंडे होने का वक्त देना चाहिए. आराम से मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाए तब जाके अपना वर्चस्व बनता है, अलाना होता है, फलाना होता है. एक सेकेंड जी लाइने को बोलो. तू बोलो. हाँ हमने उसी वक्त तुमको ये बोला था कि ऐसा है चौंगुलाल, तुरंत जो है ट्रेन पकड़ो बदायूं की, सीधे जाओ उसको मना मुनो के पटा के वापस ले आओ. हैं हम समझ गए. अब हमें बैनी जाने पड़ेगा. अरे जाने तो पड़ेगा ही, जल्दी निकलो भैया, दौड़ के निकलो. कहे कि तुम्हारी जो नई बीवी है ना उसने एकदम हालत खराब करके भूकंप ला के रखा है, एकदम पूरा जलजला आ चुका है. ककर दो बाने. अरे ऐसू ककर दो. आ
भाई ऐसा है ना, उसने जो मतलब जिस हिसाब से प्रकोप फैला रखा है अपना, बीमारी की तरह एकदम फैल गई, और मतलब अम्मा बच्चे इन लोग की हालत खराब कर दी, मजदूरी करवा के एकदम घिस दिया, उनके रोए रोए निकल आए भाई साहब, बहुत बुरी हालत है।